એક ડોકરી માં 70-72 સાલની ડોકરી માં જેને આપણે માં કહેવા, उस डोकरी मां के मरने का समय था 72 साल में। भगवान उसको लेने के लिए आए। भगवान ने कहा माता जी चलो अब मेरे साथ स्वर्ग में चलो। डोकरी मां क्यों भगवान इतना जल्दी आप लेने के लिए आ गए, चलो कोई बात नहीं अब चलती हूं आपके साथ, मगर मरने से पहले मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। भगवान क्यों बोलो, कई चाहिए धन दौलत महल माल्या राजपाट बोलो, डोकरी मां क्यों कई नहीं चाहिए। हे भगवान मरवारा पहली मने 5 मिनट दे दो, बस खाली 5 मिनट। भगवान क्यों किसके लिए, डोकरी माँ बोली हे प्रभु मरने से पहले 5 मिनट इसलिए चाहिए क्योंकि हो संतो सुरिगा सुआयो रे संदेश बुलावो आयो भगवान रो हो संतो सुरी गासु आयो रे संदेश बुलावो आयो राम रो। एक मिनट प्रभु माने देवो मैं करूं बेटा सेवा, एक मिनट प्रभु माने देवो करूं बेटा सेवा। ए भगवान पहलो मिनट मारा तो ही बेटो बात करनी मरवारा पहली डोकरी मां तो ही बेटा ने बुलाई केवा लगे, तो ही बेटा ने केवा लगे कि हे बेटा मने भगवान लेवा नहीं गया मगर तू मारी बात सुनो, तू मेरी बात सुनना तुम दोनों। अरे अलमारी में पैसा पड़िया अलमारी में पैसा पड़िया, हे बेटा अलमारी में जो पैसा पड़िया पैसा रा वैसे लड़ा जो मती लड़ा ओला तुम्हारी आत्मा दुखेला। हे मारा बेटा आपस में लीजो भाई भाई लीजो प्रेम सु बाटी बुलावो आयो भगवान रो हो संतो सुरी गासु आयो रे संदेश बुलावो आयो राम। ठीक है समय के हिसाब से मैं इसको जल्दी जल्दी में कहूंगा। डोकरी मां बोली रे बेटा लड़जो मती लड़ोला तो आत्मा दुखेला, और इस जमाने में लोग भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं किसके लिए, जमीन के लिए दुकान के लिए मकान के लिए। उनसे निवेदन है एक बात कान खोल के सुनना, बैठना भाइयों का, बैठना भाइयों का चाहे वेर हो, चलना सड़क का चाहे फेर हो, बैठना छाया में चाहे केर हो, और खाना माँ के हाथ का चाहे जेर हो चाहे जेर हो। जो अपने भाई का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। फेसबुक पे मेरे 50,000 फॉलोवर्स हैं और हगो भाई नहीं बोलता इससे नहीं, भाई भाई प्रेम से रहो। भगवान ने माता जी से कहा माता जी मरने वाले हो दूसरा मिनट किसके लिए, सुनेगा साहब उस माँ ने क्या कहा। हो दूजो मिनट प्रभु माने देवो दूजो मिनट माने देवो मुकरु बिंदड़िया सेवा। दूजो मिनट माने देवो मुकरु बहुआ सेवा। डोकरी में क्यों भगवान दूसरों मिनट मारी दो ही बिंदड़ियों बात करनी, दोनों बहुओं को बुलाया और सासू माँ ने क्या कहा। आहा कि हे बिंदड़िया मैं तो घर ने बांधने राख्यो हो, मैं तो घर ने बांधने राख्यो। हे विंदनिया 72 साल तक मैंने परिवार को बना के रखा, मेरे मरने के बाद हे मेरी विंदनिया बहुआ आगे संभालो परिवार बुलावो आयो राम रो। मैं तो
उधर ने बांधन राखो आगे संभालो परिवार बुलाओ वैसे साहेब। हर घर को स्वर्ग बनाती है घर की औरतें, हर घर को नरक बनाती है घर की औरतें। अगर लक्ष्मी औरत मिल जाए तो परिवार बनता है। आजकल लोग परिवार की कदर नहीं करते। परिवार को लोग क्या समझते हैं? पैसा। पैसा हो तो परिवार, पद है तो परिवार। नहीं साहब, गलत फहमी है। परिवार किसे कहते हैं? लोग कहते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, आठवां एक वार होता है जिसे दुनिया कहती है परिवार। और जो परिवार के साथ रहता है वो इंसान होता है साहब। बाकी पैसे काम के नहीं होते हैं। कुछ लोगों के मन में ये भी ईगो होता है, अपने पास पैसा है, 45 लाख दे के टेंट लगवाएंगे, 45 लाख देंगे, 50 लाख देंगे, टेंट लगवाएंगे। वो टेंट के बाहर पर्दा लगता है, फलाना परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, फलाना परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। कौन सा परिवार भाई? तेरे 50 लाख के टेंट के नीचे तेरी मम्मी पापा नहीं है। कौन सा परिवार? 50 लाख के टेंट के नीचे तेरा भाई नहीं है। कौन सा परिवार? 50 लाख के टेंट के नीचे तेरी बहन नहीं है। उस पर्दे के ऊपर लिख, एकल खोरिया परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। पैसे से परिवार नहीं बनता, परिवार में तो मिलके रहना पड़ता साहब। पैसा अपनी जगह है, पद अपनी जगह है, प्रतिष्ठा अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है। डोकरी माँ भगवान ने क्यों प्रभु तीसरों मिनट क्यों बोलो? अब रोवा लगी डोकरी माँ, तीजो मिनट प्रभु माने देवो, तीजो मिनट प्रभु माने देवो, मुँह करूँ अरे मुँह करूँ पोता सेवा। हो तीसरो मिनट प्रभु माने देवो, मुँह करूं पोता सेवा। पोता, माँ पोता ने बुलाई घोड़ा में बेवई, माता पे हाथ खोपे, पोता ने क्यों है मारा पोता? दादी माँ तो सुरगा चाली, दादी माँ तो सुरगा चाली, मारा पोता मु तो मरवा वाली हूं, मगर मारा मरवारा बाद मने चिंता है कि कूण करेला।